और घी खुल्ला खाते हैं वहां पर। मस्त लगा मुझे ये सुन के, घी खुल्ला खाते हैं विशाल का डायलॉग। वो तो लोग फैजू का 33 मिलियन है और एल्विस का 16 कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो और हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किचन में दाल बना रही हूँ और बाहर में बिग बॉस OTT जो आया था ना दोस्तों, उसी से रिलेटेड बातचीत हो रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी। नेनुआ को अच्छे से छील कर इसके बाद अच्छे से वॉश करके यहाँ पे मैं चॉप कर ले रही हूँ। बाउल में जो आप लोग दाल देख रहे हैं ना, चना दाल है दोस्तों, जिसको मैं 2-3 सीटी लगाकर अच्छे से सीटी लगाकर मैं बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि ना चना थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, तो मुझे पसंद नहीं आता दोस्तों, तो मैं प्लेन चना को कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ पे दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया, इसके बाद ऐड किया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में डाली हूँ दोस्तों जीरा, सरसों, बारीक चॉप लहसुन, खड़े वाले लाल मिर्च को दोस्तों कट करके डाली हूँ। देन डाली हूँ हींग। हींग के बाद डाल दी हूँ दोस्तों प्याज। सभी चीजों को एक साथ फ्राई कर दूंगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी हल्दी एक चुटकी थोड़ा सा, जिससे कि अच्छा सा कलर आ जाए, और बिना हल्दी डाले नहीं बनाते हम लोग, इसीलिए हल्दी। इसके बाद ऐड कर दी हूँ दोस्तों नेनुआ। तो बस आज सिंपल सा खाना बन रहा है, और यहाँ पे ऐड कर दी हूँ दोस्तों टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। ढक ढक कर नेनुआ को मैं भूंजूंगी, जिससे कि सब्जी रेडी हो जाएगा, और बहुत सिंपल ये सब्जी बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे ऐड कर दी हूँ दोस्तों दाल। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स की, 2-3 बार ढकते रही, तो देख सकते हैं सब्जी बनने के बाद कितना थोड़ा सा हो गया है। देन यहाँ पे दोस्तों दाल मेरा बन चुका है। इसके बाद आलू बॉईल करी थी, 2 आलू है जिसको मैं छील कर बीच से कट करके बॉईल की थी। यहाँ पे कच्चा प्याज, कच्चा हरी मिर्च और कच्चा सरसों तेल, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के दोस्तों मैं चोखा रेडी कर ली हूँ। आजकल ना दोस्तों थोड़ा सा मैं देखी हूँ कि आलू ना अंदर से ना खराब निकलता है, बड़ा आलू छीलने के बाद। तो सबसे पहली बात तो बड़ा आलू अभी लेना ही नहीं चाहिए, छोटी आलू ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ कि बहुत सारा आलू अंदर से खराब निकला, इसी वजह से मैं छील कर कट करके फिर बॉईल की थी, ताकि मैं चेक कर सकूं अगर ऐसा कुछ लगे कि हाँ खराब है तो उसको मैं हटा सकूं। यहाँ पे दोस्तों दाल सब्जी जो भी बनाई ना, जितने भी बर्तन निकले, नाश्ता का बर्तन, चाय का बर्तन, और खाना बनाई, दाल बना के एक बर्तन में खाली कर दी, चोखा बना के एक बर्तन में रख दी, सब्जी बना के भी एक बर्तन में रख दी, तो वो सब जितने भी बर्तन थे सबको निकाल के यहाँ पे वॉश करके बकेट में शिफ्ट कर दी दोस्तों, जिससे कि प्लेटफॉर्म वगैरह हैवी ना लगे, और इंडक्शन गैस ये सब भी क्लीन कर ली हूँ दोस्तों। थोड़ा बहुत भी इधर उधर तेल का छीटा उटा रहता है ना, मजा नहीं आता दोस्तों, तो बस ऐसी लगे हाथ करते रहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ दोस्तों यहाँ पे पापड़ फ्राइम को फ्राई करने, और ये है दोस्तों मेरा पापड़ वाला बॉक्स, और इसमें काफी वैरायटी के पापड़ हैं। ये जो पापड़ है दोस्तों, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन मैं अभी तक ओपन नहीं की हूँ। ये वाला आप लोग ले सकते हैं, ये डीमार्ट में मिलता है, और इसमें 2-3 टाइप का फ्लेवर भी रहता है, अंदर में पैकेट वाला मसाला भी रहता है दोस्तों। और ये है उड़द दाल का पापड़, तो बस ये सब मेरे हस्बैंड जाते हैं ना डीमार्ट तो ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि पापड़ खाने के लिए भी घर में रहना जरूरी है। इसके बाद है दोस्तों नीचे चावल का पापड़, आलू का पापड़, तो यही मैं पूछी हस्बैंड से कि आप मेरे को बताओ कि कौन सा पापड़ खाओगे, वही पापड़ में फ्राई करूंगी, तो बोले कि ये वाला खाएंगे, तो फिर मैं ये वाला फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। खाना सारा बन चुका है, आज सिस्टर के हस्बैंड भी घर पर हैं, और आज है दोस्तों संडे, अगस्त का फर्स्ट संडे वाले दिन का ये ब्लॉग है दोस्तों। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो बस यहाँ पे दोस्तों मैं खाना सर्व कर ले रही हूँ। प्लेट में सबसे पहले निकाल ली हूँ आलू का चोखा, इसके बाद बनाई हूँ सिंपल सा नेनुआ का सब्जी। आप लोग अगर खाए होंगे तो ये सूखी सब्जी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ओनली फॉर छौंक का, और बस थोड़ा सा हल्दी डालना, और कोई मसाला नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैं ले ली हूँ दोस्तों दाल, चावल, चोखा और नेनुआ का सब्जी और पापड़। सलाद पूछी थी तो सलाद के लिए मना किए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं बैठकर हस्बैंड से बात कर रही थी, जस्ट अभी स्टेटस देखी दोस्तों, तो मुझे पता चला कि आज फ्रेंडशिप डे है, नहीं तो मुझे याद भी नहीं था कि आज फ्रेंडशिप डे है, और मैं किचन में व्यस्त थी,
तो वही मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, सारे लोग आज फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं और मैं सुबह से किचन में हूँ। तो मेरे हस्बैंड तुरंत मुझे कहते हैं रिप्लाई में, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो मैं बोली, फ्रेंडशिप डे बोलने से क्या होगा, गिफ्ट मिलेगा तो मुझे फील होगा कि हाँ वाकई में आज फ्रेंडशिप डे है। तो बोले कि ले लो। तो मैं बोली एक ड्रेस दिला देने, तो बोले कि हाँ ले लो। तो बस यहाँ पे अपनी डील फाइनल हो गई दोस्तों। इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, हस्बैंड के हेल्प से दोस्तों बेडशीट को चेंज करवा ली हूँ। इसके बाद हस्बैंड चले गए हैं दोस्तों स्टेशन टिकट देखने के लिए, और यहाँ पे मैं पिलो कवर लगा रही हूँ, बेडशीट उनके साथ में मिलके ही अरेंज करी हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर बाहर चले जाएंगे ना तो फिर मेरे से अकेले चेंज नहीं हो पाता है। यहाँ पे सारे धुलने वाले कपड़े ला करके एक जगह रख रही हूँ दोस्तों, बाद में यहाँ से भी हटा दूंगी, अभी इसी जगह पे जमा रही हूँ, क्योंकि आज बाहर जाने वाले ना, तो जिस दिन घर से कोई बाहर जाता है ना उस दिन बेडशीट वगैरह नहीं धोना चाहिए, घर का बेडशीट पर्दा वगैरह नहीं धोना चाहिए, ऐसा घर के बड़े लोग बोलते हैं, इसीलिए नहीं धो रही हूँ दोस्तों। डेली उसका कपड़ा वगैरह धो सकते हैं। लगे हाथ दोस्तों यहाँ पे मैं सोफा वगैरह अच्छे से जमा दे रही हूँ, क्योंकि दोनों लोग ऐसे लटक लटक के बैठे थे ना कि आगे की तरफ ना खिंच गया था। तो बस मैं जमा के अच्छे से झाड़ भी दे रही हूँ, और इधर उधर सोफा का जो भी है डंडा वगैरह उन सबको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, जितना भी हो सकता है कि डस्ट हट जाए वही सब काम कर रही हूँ। साइड में दोस्तों वॉल वहां पे ना कांच वाला ना एक वो है स्टैंड, उसको भी अच्छे से डस्ट पोंछ दी हूँ। इसके बाद फ्लावर पॉट था वो पोंछ दी, कछुआ था वो, फिर एक नीचे टेबल था इसको भी उठाकर ऊपर रखी हूँ, रिमोट पोंछी हूँ दोस्तों। फिर ये जो प्लांट्स है ना इस पे ज्यादा डस्ट नहीं था लेकिन हल्का हल्का दिख रहा था मुझे, मैं सोची लगे हाँ ते भी पोंछ देती हूँ। तो जितने भी लीफ है दोस्तों सभी को धीरे धीरे वन बाय वन इसको पोंछ दे रही हूँ, एक साथ तो पोंछना पॉसिबल नहीं है, पत्ते बाहर आ जाते हैं, एक आध बार ऐसा भी हुआ है तो फिर लगाने में भी टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा मैं धीरे धीरे करके एक एक पत्ते को ही वन बाय वन करके डस्टिंग कर देती हूँ। अच्छे से टेबल को भी क्लीन कर दी हूँ, इधर उधर नीचे ऊंचे भी करके पोंछ दे रही हूँ। यहाँ पे भी दोनों दोस्तों वॉइस ना दब गया है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वाला जो बैग है ना दोस्तों ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मैं लास्ट टाइम जो मॉल गई थी ना तो ड्रेस लाई थी और वहां से दोस्तों मैं ये वाला बैग भी लाई थी, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, ड्रेस भी अभी तक नहीं दिखाई हूँ। तो ये वाला बैग हस्बैंड को बोली इसमें अपना सामान रख लेने, फटाफट रख लिया और उनको ये बैग बहुत पसंद भी आया, तो बॉयज के लिए एक किट बना रहे इसलिए मैं ली थी दोस्तों। तो फ्रेंड्स घर के अंदर ना झाड़ू पोछा ये सब भी हो चुका है, इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले एरिया को दोस्तों इस जगह को वॉश करने। सो पाइप लगाई हूँ, कपड़ा वाला जो स्टैंड है इस पर भी डस्ट हो गया था दोस्तों, इसी वजह से इस पे कपड़े नहीं डाल रही थी, नीचे चेयर में ही डाल रही थी, तो वो सब भी अच्छे से धोई हूँ। उसके जितना भी वॉल पे जितना भी दूर मेरा हाथ पहुंच रहा है ना दोस्तों उतने दूर में अच्छे से ना पानी डाल करके पाइप से, और इसके बाद हाथ में मैं एक पुराना सॉक्स ली हूँ दोस्तों, सॉक्स को ही वॉल पर लगाकर और अच्छे से ना एक बार डस्टिंग कर दे रही हूँ, जिससे कि ना पानी डालते जा रही हूँ और हाथ भी लगाते जा रही हूँ ना तो अच्छे से वॉल क्लियर होकर ना मतलब डस्ट निकल गया है। हल्का हल्का ना पूरा डस्ट लगा हुआ था दोस्तों, यानी कि ऐसे अपन हाथ लगाते हैं ना तो हाथ में डस्ट आ रहा था, वो काफी दिन से मुझे दिख रहा था, तो यही मैं सोची कि मैं ना धो दूंगी, और साथ में ये ग्रिल को भी अच्छे से वॉश कर दे रही हूँ दोस्तों। और इस बीच में ना जब मैं घर के अंदर का भी काम कर रही थी ना उस समय ना दोस्तों हस्बैंड भी मेरे ना यही पाइप लगाकर बाहर में पूरा रोड को धो दिए हैं, लेकिन मैं ना वो क्लिप आप लोग के साथ ऐड नहीं कर रही हूँ दोस्तों, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, आप लोग समझ सकते हैं है ना, लेकिन हाँ उनको भी पसंद है सफाई और चाहते हैं कोशिश करते हैं दोस्तों कि जितना हो सकता है मैं भी कर दूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, एक तो बहुत काम हो जाता है, फिर आते हैं कहीं से भी तो तुरंत निकल जाते हैं, इधर उधर थोड़ा भी रेस्ट नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाता है दोस्तों, तो मैं क्या ही हेल्प लूं, तो मैं खुद से कर लेती हूँ दोस्तों, और मुझे अच्छा लगता है घर मेरा है ना, तो मैं जितना अच्छे से सफाई कर सकूं, तो बस सीढ़ी वगैरह अच्छे से धोई, बहुत संभल संभल के काम करी दोस्तों, क्योंकि पूरा ना ये टाइल्स है सीढ़ी पर भी, तो क्या होता है ना जब पानी पड़ता है ना तो टाइल्स पे ना पैर ना स्लिप होने के चांसेस होते हैं, गिर गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे और डांट खाऊंगी सबसे, सो अलग फोन से भी सब लोग मुझे निपटाएंगे। तो बस दोस्तों बात करते करते आप लोग से ये देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से धीरे धीरे करके मैं धो दी हूँ। नीचे वाला जो एरिया है ना ये वाला वॉल टाइल्स को दोस्तों फ्री होकर कभी अच्छे से स्कॉच से भी धोऊंगी। यहाँ पे दोस्तों मैं फ्रेश वगैरह होकर के आ गई हूँ,
खाना वगैरह भी खा ली हूँ दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ शाम के लिए ट्रेन के लिए खाना बनाने। सत्तू तो मैं बनाकर सुबेरे ही मतलब एक साइड कर दी थी किचन का काम करते करते, तो घर वगैरह क्लीन हो गया है। मैं तैयारी करके, ये देखो ये है मिश्रण, और नहाने से पहले आटा भी सान करके गई थी क्योंकि हेयर वॉश की ना दोस्तों तो फिर थोड़ा सा गीला रहता है, तो ये सब काम करने में बनता नहीं है। ये मेरा चाय है, हस्बैंड लोग चाय पी लिए हैं, ये देखिए चाय वे बन गया है, अब मैं जा रही हूँ आटा सानने। सो फ्रेंड्स, आटा सानने के बाद मैं यहाँ पे लिट्टी भी बना ले रही हूँ, धीरे धीरे करके ना छान ले रही हूँ। और अभी टाइम ना 5 बज गया है दोस्तों, तो आज का समय बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करने में निकल गया है। कितना भी काम करती हूँ दोस्तों घर का, बोलते हैं घर का काम करने से भी पतले होते हैं, एक मैं हूँ, मैं तो पतली होती ही नहीं दोस्तों। ठीक है मैं पतली नहीं हूँ तो मुझे अनकंफर्ट नहीं फील होता, मैं खुश हूँ जैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ दोस्तों। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं थोड़ा भी खाना खाती हूँ ना तो मुझे बहुत लगता है, यानी मतलब मेरा शरीर ऐसा ही है। तो बस दोस्तों लिट्टी को मैं बना ले रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को लिट्टी बहुत पसंद है, और ट्रेन अगर लेट भी होगी ना तो वो आराम से अपना पूरा लिट्टी फिनिश कर लेंगे। तो बस जो चीज पसंद है वही मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ दोस्तों। और इस बार ना थोड़ा सा मेरे पास सत्तू कम भी था, बट मैं फिर भी जितना बन पाया यानी 16-17 बना तो मैं उतना ही बना दी दोस्तों। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों वेजिटेबल वाला पुलाव, यानी कि नमकीन चावल या तहरी जो भी है आप बोल सकते हैं। तो मैं ये पुलाव अपने तरफ से बना रही, मेरे हस्बैंड को ना राइस खाना पसंद है दोस्तों, और पुलाव हो जीरा चावल या ड्राई फ्रूट्स वाला पुलाव उनको बहुत पसंद है। तो मैं एक टाइम के लिए ना ट्रेन में दे देती हूँ बना के बकायदा बॉक्स में, ताकि वो अच्छे से खा ले एक टाइम कम से कम। अभी जैसे शाम में बैठेंगे ना तो रात में खा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं ऐड की हूँ दोस्तों कुकर में जीरा, जीरा के बाद ऐड की हूँ दोस्तों रिफाइंड ऑयल, तेज पत्ता, और इसके बाद खड़ा गरम मसाला है दोस्तों। खड़ा गरम मसाला यानी सारा कुछ है गरम मसाला में, उसको मैं खलबट्टे में कूट कर फिर ऐड की हूँ। देन ऐड कर दी हूँ दोस्तों आलू और प्याज, आलू प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी दोस्तों। इसके बाद ऐड कर दी हूँ गोल्डी का गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, बस यही सब जो भी है दोस्तों मसाले ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दी हूँ इसमें, मतलब लगभग आप सारा मसाला डालिए, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर नमक गरम मसाला सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके। इसके बाद डाल दी हूँ दोस्तों टमाटर, टमाटर के बाद चावल, और लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा भूंजने के बाद लहसुन को दोस्तों खलबट्टा में कूट कर पानी डालकर थोड़ा सा मतलब अच्छे से निकल जाए वो ऐड कर दी हूँ। थोड़ा देर लहसुन डालने के बाद भूजूंगी। यहाँ पे दोस्तों 2 टीस्पून डाल दे रही हूँ घी, आप लोग चाहे तो पूरा घी में भी राइस बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सुगंध पसंद नहीं है ना इसलिए मैं लास्ट में डाली हूँ बस 2 चम्मच। सोयाबीन को दोस्तों नमक डालकर मैं बॉईल कर ली थी, बॉईल करने के बाद छान कर फिर पुलाव में ऐड कर दी हूँ। फिरोजन वाला हरा मटर है वो डाल दी हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, जब खाना देखने में अच्छा लगता है ना तो खाने में भी मजा आता है। तो बस मैं बहुत मन से बनाई दोस्तों ताकि ना खुश हो जाए, जब खुश होते ना मुझे फोन करके बताते हैं बहुत टेस्टी बनाता तो मैं और ज्यादा खुश हो जाती हूँ। यहाँ पे ऐड कर दी हूँ दोस्तों नींबू, जिससे कि चावल खिला खिला बने, और चावल को अच्छे से भूज भी दी हूँ, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक वगैरह सब चीज डालकर 1 सीटी लगा दी हूँ। देखो मेरी बहन आ गई, मेरा पुलाव बना और उसकी खुशबू पहुंची इसके घर तक। ये लोग मार्केट निकले थे पर इधर आए, और ये चाची, मैं नीचे बैठी हूँ दोस्तों, मैं थक गई तो। टेस्टी बना है चाची? हाँ। चाची और बच्ची आए हैं, और लिट्टी बस इन लोगों को चार ही मिला। और हम लोग गप कर रहे थे, मैं बोली थोड़ा सा ले लेती हूँ ब्लॉग में, कंघी तक नहीं की हूँ चाची, देखो बिजी होने के कारण। देखिए दोस्तों मेरी बहन को तो पसंद आया, चाची को भी पसंद आया, बोल रहे थे कैसे बनाई हूँ। तो बस यही है दोस्तों, अब मैं जा रही इसको पैक करने, ठंडा होने दी थी क्योंकि ठंडा हो जाता है ना तो फिर रखने में सही रहता है।
जस्ट हस्बैंड मेरे निकल गए हैं दोस्तों 7:30 को घर से, टिफिन वगैरह पैक करके दे दी हूँ। और आज का ब्लॉग पूरे 1 आवर से भी ज्यादा का बना था दोस्तों, काफी टाइम लगा है एडिटिंग में। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, क्योंकि आज बहुत कुछ की ना तो शूट करते चले गए तो ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया, और बहुत कुछ कट करके छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, फिर भी हो गया है आई थिंक 16 मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं।